मेरा जो टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ इन द डिजिटल वर्ल्ड। मेहरीन जो है बैचलर कर रही है फिजिक्स में और वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं यूथ के डिफरेंट प्रोग्राम्स में। उसका टॉपिक भी आज का यही है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो मेहरीन रुवेद साहिबा को दरख्वास्त है कि इस बारे में अपने ख्याल का इजहार करें। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगी कि व्हाट इज़ डिजिटल वर्ल्ड, या मेरा जो टॉपिक है वो है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यूथ इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो व्हाई डिजिटल वर्ल्ड? तो सबसे पहले तो डिजिटल वर्ल्ड है क्या चीज़? डिजिटल वर्ल्ड इज़ बेसिकली जो कि हम डिजिटल टूल्स यूज़ करते हैं, डिजिटल डिवाइसेस यूज़ करते हैं, या लेट्स से सोशल मीडिया एप्स हो गए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, मैसेंजर, लिंक्डइन, ये सारी चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, दिस इज़ बेसिकली लाइक वी आर एंटरिंग इनटू आवर डिजिटल वर्ल्ड। ये हम यूज़ करते हैं एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी फॉर एग्जांपल हम व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे होते हैं, वो बहुत दूर होता है, विदाउट सीइंग ईच अदर हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये डिजिटल में आ रही है और ये डिजिटल वर्ल्ड्स है। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वाई डिजिटल वर्ल्ड, मतलब अपॉर्चुनिटी सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड में क्यों? तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम चारसद्दा को कंसिडर करें, पाकिस्तान की बात हम नहीं करते, हम छोटे लेवल पे चारसद्दा को कंसिडर करते हैं। चारसद्दा में टोटल जो है वो एक यूनिवर्सिटी है और इसके अलावा 6 कॉलेजेस है फॉर फीमेल, इस तरह बॉयज़ की भी। तो जितने लोग पर ईयर ग्रेजुएट हो रहे हैं चारसद्दा से, बादशाह खान यूनिवर्सिटी से जितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, या जितने जो है ये एफिलिएट कॉलेजेस है बादशाह खान यूनिवर्सिटी के साथ, इससे जो लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, क्या चारसद्दा में इतनी कैपेसिटी है कि वो इन लोगों को जॉब्स दे? इतनी कैपेसिटी है? नहीं है। तो हमारे पास जो वाहिद जो सोल्यूशन है वो डिजिटल इकॉनमी है, कि डिजिटल इकॉनमी वाहिद जो है उसमें इतना स्पेस है कि जितने भी लोग ग्रेजुएट हो रहे या ग्रेजुएट नहीं भी है, उसके पास कोई स्किल है तो वो उसे जो है वो अकोमोडेट कर सकता है, उन्हें जो है अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है और वो अपने लिए कुछ अर्निंग कर सकते हैं। आपको पता है कि देर आर मिलियंस ऑफ एप्स, फ्री जो एप्स होते हैं, ब्लॉग्स होते हैं फ्री, फ्री वीडियोस होते हैं, हमें कोई असाइनमेंट मिलती है तो हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं व्हाट इज़ दिस, और वो हमें जो है वीडियो से कॉपी पेस्ट करके हम कल सबमिट कर लेते हैं। तो ये फ्री वीडियो हमें मिली या फ्री ब्लॉग्स हमें मिली या फ्री एप्स हम यूज़ कर रहे हैं, वाई? जो बंदा वीडियो बना रहे या जो बंदा ब्लॉग लिख रहा है या जो बंदा ऐप डिवेलप कर रहा है, उसका तो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है ना, तो वाई लाइक हमें इससे फ्री में क्यों मिल रही है? तो उनको क्या मिलता है, अभी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। एक होता है प्रोडक्ट ऑनर और दूसरा होता है पब्लिशर। जब आप YouTube पे वीडियोस देखते हो, मैं आपको ब्लॉग्स का ज़्यादा नहीं बताती, ब्लॉग्स में भी एड्स होते हैं लेकिन पता नहीं आप लोगों ने देखी होंगी, जब आप Google पे कुछ सर्च करते हो उसमें एड्स आते हैं। तो मैं आपको YouTube का सिर्फ बताती हूँ कि YouTube वीडियो में बीच में जो आ जाता है कि स्किप इन 2 सेकेंड, स्किप इन 3 सेकेंड, इस तरह वो जो वो एड आपने नहीं देखा होता 3 सेकेंड से पहले, वो स्किप नहीं होता, तो वो एड देख के उन्हें अर्निंग होती है। तो जो पब्लिशर है वो वीडियो पब्लिश करता है और जो प्रोडक्ट ओनर है वो यूट्यूब को पेमेंट करते हैं और इस तरह उसे पेमेंट आती है। तो आपको जो इतने सारे फ्री में वीडियोस मिलते हैं, फ्री में ब्लॉग्स मिलते हैं, तो उसका जो है उन्हें फ़ायदा होता है। बिफोर गोइंग टू बिग नेम्स, मैं आपके साथ जो है छोटे छोटे नाम्स वो पहले डिस्कस करूँगी, जो कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम होगी, व्हाट्सएप बिजनेस हो गई, इससे आप किस तरह जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि वो जो है एक थ्रेट है लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी है, तो आप लोग किस तरह अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो? तो इसमें अगर किसी बंदे के पास कोई स्किल है, फॉर एग्जांपल कोई स्किल नहीं है, कोई बंदा है वो म्यूज़िक क्रिएट कर सकता है, या कोई बंदा है वो जो है वो पोएट है, वो राइटर है, वो कुछ लिखता है, तो वो फेसबुक पे पेज बना सकता है, वो इंस्टा पे पेज बना के अपनी जो सर्विस है वो सेल कर सकता है। कोई बंदा है वो लेट्स से अच्छा रीडर है, वो इंस्टाग्राम पे पेज बना के बुक की रिव्यूज़ लिख सकता है, तो कल को जो है वो उसे राइटर्स ऑथर्स उसे कांटेक्ट करेंगे कि आप हमारे बुक पे रिव्यू लिख लो, इसे जो है वो फिर मार्केटिंग वो करेगा, सही हो गया? तो फेसबुक से अर्निंग इस तरह होती है कि आप फेसबुक पे पेज बना के अपनी फॉलोअर्स ज़्यादा करके उससे फिर आप अर्निंग कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग से कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ है? कि आप अपनी प्रोडक्ट उधर सेल करते हो, प्रोडक्ट सेल करते हो, उसके बारे में लिखते हो कि ये प्रोडक्ट किसी कोई बंदा है यहाँ पे, और यहाँ पे जिन्होंने कहा कि वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, अब यहाँ पे कोई बंदा डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है, लेट्स से उन्हें कहता है, या फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी कंपनी ओनर को सॉरी कहते हैं कि हम आपकी मार्केटिंग करते हैं, तो मार्केटिंग क्या उन्होंने पोस्ट करनी होती है सिंपल,
तो पोस्टिंग में तो कोई इशू नहीं है, वो तो सब करते हैं। आप लोग अपनी पर्सनल फेसबुक से कर सकते हो, इंस्टाग्राम से ऑलरेडी करते हो, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, थोड़ा बहुत आप सीख सकते हो। तो फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, उस पर एड रन कर सकते हो, जो पेड एड्स होते हैं, जो ऊपर लिखा आता है, आप लोगों ने देखा होगा स्पॉन्सर, वो पेज वगैरह आपने फॉलो नहीं किया होता लेकिन उस टाइप का आपको कोई इंटरेस्ट होता है तो आपको वो ऐड आता है, तो उस पर लिखा होता है स्पॉन्सर्ड। तो इस तरह जो है वो फेसबुक, इंस्टा और जो व्हाट्सएप है, वो जब स्टार्ट में बनी, तो जब इनिशिएट हुई, तो ये सिर्फ एक टूल था कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन आज जो है ये एक टूल नहीं है कम्युनिकेशन के लिए, इससे आप अर्निंग कर सकते हो। इवन व्हाट्सएप बिजनेस पे आप एड रन कर सकते हो, उससे आप अर्निंग कर सकते हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेरा टाइम तो बहुत कम है, मैं आप लोगों को फुल कंप्लीट जो है नहीं बता सकती कि किस तरह अर्निंग होती है, लेकिन मैं आप लोगों को एक पाथ शो कर सकती हूँ, जिसे आप रिसर्च करके, रिसर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रिसर्च करके एक स्किल सीख के जो है आप अर्निंग कर सकते हो। कहा लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर CEOs होते हैं, वहाँ पर जो है HRs होते हैं जो आपको हायर करते हैं। अगर किसी बंदे को जो है बहुत आसान सी जॉब चाहिए, जिसे हम अदर वर्ड्स में हैसल फ्री जॉब कहते हैं, कि उनका ज़्यादा, तो वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को बिल्ड करके वहाँ से जॉब ले सकता है। तो इसके अलावा मैं आप लोग के साथ दो तीन और पॉइंट्स शेयर करूँगी। फीमेल्स को ज़्यादा इशू होता है कि वो बाहर नहीं निकल सकते, तो आप लोग घर बैठे भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई बंदा है, वो फोटोग्राफी स्किल उसकी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे पिक्चर्स बना सकता है। आप लोग कोई भी ट्री की पिक्चर लेके, फ्लावर की पिक्चर, किसी भी टाइप की पिक्चर लेके आप उस पिक्चर को सेल कर सकते हो। आप पिक्चर्स को किस तरह सेल करोगे, फोटो ड्यून एक वेबसाइट है, शटरस्टॉक एक वेबसाइट है, जहाँ पे आप लोग पिक्चर्स सेल कर सकते हो। इवन यहाँ पे प्लांट्स है, वहाँ पे वो चीज़ आप उसकी पिक्चर लेके, प्यारी सी पिक्चर लेके वो सेल कर सकते हो $5 पे। तो ये क्या है, तो लाइक ऑल दिस आप घर से कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई बंदा वेब डिवेलपमेंट की साइड पे है, वो थीम सेल कर सकता है। वेब डिवेलपमेंट बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये वेबसाइट्स जो होते हैं ये डिवेलप होती है डोमेन। फॉर एग्जाम्पल google.com है, ये एक डोमेन है, इसको हम परचेज़ करते हैं, फिर उसकी पर ईयर होस्टिंग होती है और ये सारी चीज़ें, उस मुश्किल चीज़ों में मैं नहीं जाती, लेकिन आप जो थीम एक परचेज़ करके वो भी सेल कर सकते हो। आप $2 पे एक थीम परचेज़ करके उसे फिर $100 पे सेल कर सकते हो। तो ये भी एक स्किल है, आप लोग अपना प्रोफेशनल ब्रांड बना सकते हो लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, और फिर आप हार्ड प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो और सॉफ्ट पे। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी बंदे की फोटोग्राफी स्किल बहुत अच्छी है, आप लोगों ने मेरे मुंह से नाम सुन लिया फोटो ड्यून, आपने क्या करना है, अपने घर जाके फोटो ड्यून पे रिसर्च करना है कि आप इस पे अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हो। आप लोग यूट्यूब पे इसका ट्यूटोरियल देख सकते हो, शटर स्टॉक है, आप लोग इस पे रिसर्च करो। अब एक एक बंदा आपको सारी चीज़ें नहीं सिखाएगा कि इस पे अकाउंट कैसे बनाते हैं, इस पे आप सेलिंग कैसे कर सकते हो और फिर आपके लिए अर्निंग करके वो आपको दे, तो इस तरह नहीं होता। तो आपने क्या करना है, आपने मेहनत करनी है, आपने थोड़ा सा रिसर्च करना है जी।